का बादशाह। आज मैं बात करूंगी कोरोना महामारी के विषय पर। पूरे देश में कोरोना के मामले तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत में अब तक कुल 12,38,635 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से डॉक्टर्स के तमाम प्रयासों के बाद 7,82,607 लोग ठीक भी हो चुके हैं और 29,861 लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 55,588 हो चुकी है, जिसमें से 33,500 मरीज ठीक हो चुके हैं और 1,263 लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जनपद एमपी में कोरोना के मरीजों में काफी इजाफा हो रहा है। यहां कोरोना के मरीजों की संख्या 528 हो गई है, जिनमें से 336 लोग ठीक हो चुके हैं और 181 लोगों की अभी भी सक्रिय है और 11 लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। जनपद इटावा में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 499 हो गई है, जिसमें से 355 लोग ठीक हो चुके हैं और 124 लोग अभी भी सक्रिय हैं और 30 लोगों की इस वायरस से जान जा चुकी है। वहीं फरुखाबाद जिले में पॉजिटिव मरीजों के अब तक कुल 357 केस सामने आए हैं, जिनमें से 238 लोग ठीक हो चुके हैं और 109 एक्टिव केस हैं और कुल 10 लोगों की जनपद में मौत हो चुकी है। जनपद बीना की बात करें, यहाँ कुल 181 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें से 114 लोग ठीक हो चुके हैं और 57 लोग अभी भी सक्रिय हैं। एटा जनपद में अब तक कुल 10 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स, फिर चाहे वो सफाई कर्मी हो या डॉक्टर, पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन, सभी लोग इस कोरोना महामारी को हराने के तमाम प्रयास करने में जुटे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनके प्रयासों पर मिट्टी फेरने का काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी से बचने का एकमात्र उपाय है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क अवश्य लगाएं और अपने हाथों को धोते रहें। साथ ही आप जब भी बाहर निकलें तो लोगों से 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। लेकिन इन्हीं नियमों का लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके नियमों की बुरी तरह धज्जियां उड़ाते हुए काफी देखे गए हैं। हमारे पी न्यूज के संवाददाताओं ने जब जाकर इसकी पड़ताल की तो क्या कुछ देखने को मिला, आप भी देखिए। आपका जो ये मास्क दिया गया, ये सर पे लगाने के लिए या मुंह पे लगाने के लिए? अरे वो भी आप क्या करेंगे, मतलब तो मनमानी करोगे? अरे मनमानी क्या करेंगे, तो आए गलिया भी नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हें मालूम है बेवल में इतनी महामारी फैल रही है, तुम फिर भी नियमों का पालन नहीं कर रहे, बताओ। पूरे भारत में कोरोना जैसी महामारी को लेकर जिला प्रशासन शासन अलर्ट है और कई इस का इस कोरोना जैसी महामारी बीमारी को लेकर उस पर दिन रात प्रयत्न कर रही है सरकार और लोगों को बता भी रही है कि अपनी सुरक्षा करें। आखिर ये बीमारी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, दिनों दिन आए दिन संख्या बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आखिर इसका कारण क्या है, क्या कारण है? तो आज हमने मैनपुरी जनपद में जाके हर जगह मुआयना किया, देखा तो लोगों तक शासन प्रशासन की जो बातें हैं पहुंची हैं, लेकिन उसका प्रयोग लोग करते हुए नज़र नहीं आए। कई जगह मैंने देखा कि कुछ लोग मास्क भी लगा रहे हैं, कुछ लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीमारी का कारण यही है कि लोग पूरी तरीके से अपने बचाव नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई तादाद में लोग आए दिन संख्या बढ़ती हुई नज़र आ रही है बीमारियों की, और इसी बेस पे सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है कि और उद्देश्य दे रही है सभी लोग अपने मास्क लगाएं, कृपया घर में ही रहें और 1 मीटर की दूरी का प्रयोग करें।
भारत में कोरोना के केस बहुत मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम कुसमरा की बात करें तो कुसमरा में मार्केट तो पूरी तरीके से खुला हुआ है, लेकिन जो दुकानदार है वो बिना मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, बिना मास्क लगाए बैठे हुए हैं। और ग्राहकों की अगर बात करें तो ग्राहक भी बिना मास्क के आते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर किसनी की बात करें तो किसनी में भी मार्केट पूरी तरीके से खुला हुआ है, लेकिन दुकानदार जो लोग हैं वो बिना मास्क के बैठे हुए हैं, बिना मास्क के बिक्री कर रहे हैं और ग्राहक को प्रेरित नहीं कर रहे हैं मास्क लगाने के लिए, जिससे ग्राहक भी बिना मास्क के आते जा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और जब दुकानदार को मैंने मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया तो दुकानदार ने अभद्रता करते हुए मुझसे बर्ताव बरता। टी न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि खुद मास्क लगाएं, बस दूसरे लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। किसनी तहसील संवाददाता रचित पांडे।